बच्चे लाइव हो जाएं पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम में। इस चैनल पर डेली बेसिस पे रात्रि 11 PM पे क्लास होता है और स्पेशल सेशन का टाइमिंग याद रखिएगा डेली बेसिस पे 4 PM पे होता है। संभव बैच जिसका टाइमिंग आपको मैं जो सेशन लेता हूँ पे रहता है 2 PM और ये बेसिकली क्लासेस 12 से 6 लगातार चलता है, ठीक है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये ऑल इंक्लूसिव सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। माइसेल्फ प्रभास कुमार, आई हैव बीन टीचिंग जीएस फॉर मोर देन 6 ईयर्स एंड मेंटर मोर देन 80,000 स्टूडेंट्स सो फार। बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर बैंक प्रिपरेशन, 30+ पैचेज हर मंथ मिल जाएंगे, 20 आवर का कंटेंट, 70+ एजुकेटर्स, 40,000 का रिकॉर्डेड कंटेंट आपको ऑलरेडी मिल रहा है इस पे। तो आप मान के चलो 70+ एजुकेटर्स हैं तो उसका फायदा ये है कि आप किसी भी टीचर से कोई भी सब्जेक्ट का क्लास ले सकते हैं, वो आपका अपना चॉइसेस है, ठीक है। इन फ्यूचर भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। कॉम्बैट सीरीज हर संडे को 10 AM पे होता है तो इसको भी ध्यान रखें, और इस कोड का जैसे यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है सब्सक्रिप्शन लेते हैं। कॉम्बैट सीरीज क्या है, सभी के लिए फ्री है, ये समझिए। कैसे, आपको अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना है, संडे को 10 AM पे आप कॉम्बैट पे क्लिक कीजिए और लाइव हो जाइए। ये कोड जैसे ही डालेंगे तो इनरोल हो जाएंगे आप। सब्सक्रिप्शन जब भी लें तो 2 से 1 साल का लें, क्यों, इसका फायदा ये है, मान के चलो 2 से 1 साल का लेते हो आपको तो उतने समय के लिए क्लासेस भी मिलेंगे, डाउट सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, मतलब तो जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वो सारा। प्लस आपको 6 महीने से ऊपर के सब्सक्रिप्शन में ये भी फायदा होता है कि आप उसको नो कॉस्ट EMI में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। इस कोड का यूज करते हैं आप सब्सक्रिप्शन लेते वक्त में 10% का डिस्काउंट मिलता है। अभी ये फायदा कि 1 साल का लेंगे तो 2 महीने का एक्स्ट्रा मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जा रहा है, 2 साल का लेते हो तो 4 महीने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताइएगा, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन अगेंस्ट निमोनिया? अमित शाह, हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह तोमर, निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताइए, पहला का। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन अगेंस्ट निमोनिया? अमित शाह, हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह तोमर, निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताइए, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन अगेंस्ट निमोनिया? पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। याद रखिएगा हर्षवर्धन का कॉन्स्टिट्यूएंसी भी याद रखिएगा, ठीक है। नॉर्मली कैबिनेट मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूएंसी भी पूछते हैं, कहाँ से है ये, चांदनी चौक से, ठीक है, ये भी याद रख लेना, चांदनी चौक। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशांक हैज वर्चुअली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ तिहान विच IIT, IIT दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद और मद्रास। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताइए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशांक हैव वर्चुअली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ तिहान। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बताइए, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद और IIT मद्रास। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताओ। रमेश पोखरियाल निशांक का भी कॉन्स्टिट्यूएंसी याद रखिए, कहाँ पे, हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ पे, उत्तराखंड। उत्तराखंड के आप लोगों को मालूम ही है CM कौन है, तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत, और दूसरा याद रखिएगा
बेबी रानी मौर्य, गवर्नर बेबी रानी मौर्य। दो राजधानी हो गया, एक तो देहरादून था ही विंटर कैपिटल, और समर कैपिटल अब हो गया है कौन सा, गैरसन। भावना दीक्षित का बी आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये जो भी लिखवा रहा हूं प्लीज ये सब भी लिख लेना, नहीं आता हो तो ठीक है, आंसर याद रखिएगा आईआईटी हैदराबाद सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आइए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनोग्रेटेड 450 किलोमीटर नेचुरल गैस पाइपलाइन बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 3,000 करोड़ वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड गलत था इसलिए नहीं बताया, ठीक है। क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन सारे हैं, फटाफट बताइए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड 450 किलोमीटर नेचुरल गैस पाइपलाइन बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 3,000 करोड़ वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन विच स्टेट, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। चौथा क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर बताइए। बिल्कुल चौथा का आंसर याद रखिएगा केरला, और केरला के सीएम कौन है बच्चों, पिन्नारई विजयन, पिन्नारई विजयन, और आरिफ मोहम्मद खान साहब कौन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। दूसरा याद रख लेना, केरला बहुत सारी न्यूज में, पहला राज्य जो स्नेकेपीडिया ऐप लॉन्च किया, कौन सा ऐप, स्नेकेपीडिया। स्नेक बाइट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपको इसमें बताया जाएगा, स्नेक के बारे में, डिफरेंट काइंड के बारे में। उसके अलावा पहला राज्य बना जो मिनिमम सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, एमएसपी प्रोवाइड करेगा, किस पे, वेजिटेबल पे। पहला राज्य बना जो आपको डिजिटल यूनिवर्सिटी खोल दिया, डिजिटल यूनिवर्सिटी। पहला राज्य बना जो लार्जेस्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर किसके लिए, एलिफेंट के लिए, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, लार्जेस्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर एलिफेंट, ठीक है। तो ये सारा चीज तमाम याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर हो जाएगा केरला। पांचवा बनेगा, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अ नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल श्रम शक्ति ड्यूरिंग अ वर्चुअल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज एट पंजीम गोवा, अमित शाह, अर्जुन मुंडा, नितिन गडकरी। क्वेश्चन नंबर पांचवा का आंसर बताइएगा, फिफ्थ का। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर बताइए। क्वेश्चन ठीक हूँ लोनेवाल, आप कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर बताइए। भावना दीक्षित, भावना आप भी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम। ये यूट्यूब चैनल है, 2 PM पे जो क्लास होता है और एक रात्रि 11 PM, 11 PM पे आपको डेली करंट अफेयर मिल जाएगा मिक्स एमसीक्यू, नहीं तो टॉपिक वाइज। जो 2 PM पे है इस पे भी या तो कभी मिक्स, जैसे आज मिक्स आप कर रहे हैं, और नहीं तो आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर मिलेंगे। और 4 PM पे जो क्लास होता है बच्चों 4 बजे, वो ध्यान रखिएगा, 4 PM पे जो क्लास होता है तो उसमें स्पेशली आपको मिक्स एमसीक्यू और मंथली करंट अफेयर मिल जाता है। ये किस पे होता है, अनअकैडमी के ऐप पे, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा उसमें बैंक, और लाइव हो जाएगा। कोड मांगता है क्लास को फ्री में एक्सेस करने के लिए, तो जो मेरा नाम है ये कोड डाल दीजिएगा तो क्लास आप फ्री में एक्सेस कर पाएंगे। ये 4 PM 4 बजे, 1 घंटे के बाद जो होता है, 2 घंटे के बाद तो उसमें होता है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर पांचवा का आंसर, बिल्कुल सही लोनेवाल का, अर्जुन मुंडा, ठीक है। इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी भी याद रखिएगा, खुंती कहां से, ये झारखंड, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा अर्जुन मुंडा का, और ठीक है, सिक्स बनाए, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज अनाउंस अ लिस्ट ऑफ हाउ मेनी पर्सनैलिटीज हु विल बी कंफर्ड विद पद्मा अवार्ड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद दिस ईयर।
120, 119, 117, 118. क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर बताइए. सिक्स क्वेश्चन का आंसर बताइए. क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर बता देना. धन्यवाद भावना. क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर बताइए. छठा क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग. क्वेश्चन नंबर सिक्स. सिंधु का आंसर आ रहा है बी. लोनेवल का भी आंसर सही. बिल्कुल सही. 119 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. विच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड फ्रॉम 16 जनवरी टू 24 जनवरी 2021 एट श्यामा प्रसाद स्टेडियम नियर पणजी इन गोवा. क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का आंसर बताइए. क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर बताइए. और आज भी सारे बच्चे 4 PM का स्पेशल सेशन जरूर कीजिएगा. लोनेवल, सिंधु, भावना सारे बच्चे आ जाइएगा 4 PM पे. नीति. क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का आंसर बताइए. विच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड फ्रॉम 16 जनवरी टू 24 जनवरी 2021 एट श्यामा प्रसाद स्टेडियम नियर पणजी इन गोवा. सेवेंथ का आंसर बताओ. भावना का सी है. ठीक है. लोनेवल का 51. बिल्कुल सही. सारे बच्चों का आंसर सही है. राम टेम्पल ऑफ विच स्टेट ऑन रिपब्लिक डे विन फर्स्ट प्राइज. क्वेश्चन नंबर एट का आंसर बताइएगा. क्वेश्चन नंबर एट. भावना, लोनेवल, सिंधु. बिल्कुल सही. उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर. इसका भी तो तुम लोग को सब कुछ मालूम ही है. मेरठ न्यूज में क्यों है एनिमल वॉर मेमोरियल के लिए. उसके अलावा आपको वाराणसी फर्स्ट ट्रांसजेंडर एनिमल वॉर मेमोरियल के लिए. ठीक है. उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो भी याद रख लीजिएगा. ह्यूमन हेल्थ एटीएम कानपुर में खुल गया. लेदर पार्क बनेगा. लेदर पार्क. ठीक है. मथुरा में एलिफेंट क्लिनिक हॉस्पिटल कहने का मतलब. ठीक है. अब विरासत स्कीम जो है तो ये भी याद रखिएगा. विरासत किससे है. लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड है. और 16 डिजिट यूनिकोड लैंड होल्डिंग से है.
तो ये जितने भी इन्फॉर्मेशन है सभी रिलेटेड कैसे उत्तर प्रदेश से, और गवर्नर आप लोगों को मालूम ही है आनंदी बेन पटेल, ठीक है। तो ये सब याद आ गया, भावना का भी आंसर सही आ रहा है। नाइन्थ बनाइए, विच इंडियन बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ वीडियो केवाईसी अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी फॉर सेविंग बैंक अकाउंट, आईसीआईसीआई, एक्सिस, आईडीबीआई, एचडीएफसी बैंक। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का आंसर बताइए। विच इंडियन बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ वीडियो केवाईसी अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी फॉर सेविंग बैंक अकाउंट, आईसीआईसीआई, एक्सिस और आईडीबीआई और एचडीएफसी। क्वेश्चन अब आईसीआईसीआई का आप लोगों को मालूम ही है संदीप बख्शी, एक्सिस का अमिताभ चौधरी है सीईओ, आईडीबीआई का भी मालूम है राकेश शर्मा, और एचडीएफसी का कौन है शशिधर जगदीशन। नाइन्थ का आंसर बताओ। क्वेश्चन सेट का बी है, भावना का भी सी है, लोनेवल का भी आंसर सही है, आईडीबीआई इज द राइट आंसर, ठीक है। सही, सारे बैंकों का हेडक्वार्टर कहां पे है बच्चों? मुंबई। दसवां बनाइए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रोजेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाई 9.6% इन द फिस्कल ईयर 2021 इन इट्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर टेंथ का आंसर बताइए, दसवां का। गौतम गुड इवनिंग, अभिषेक, जितने भी बच्चे हैं सभी पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम को YouTube चैनल को, ठीक है। जो अभी सेशन ले रहे हो 2 PM पे, तो इसमें या तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर होता है एक दिन, और दूसरे दिन अगर होगा तो नेक्स्ट टाइम सीक्यू, और रात 11 बजे अगर लेते हो सेशन तो उसमें आपको डेली करंट अफेयर और आपको नेक्स्ट टाइम सीक्यू मिल जाता है डिफरेंट मंथ का, ठीक है। और इसके बाद आप लोग जो सेशन ज्वाइन कीजिएगा वो ऐप पे 4 PM पे होता है, अनअकैडमी के ऐप पे, यूट्यूब पे नहीं, ठीक है। अनअकैडमी के ऐप पे 4 PM पे होता है स्पेशल सेशन डेली बेसिस पे। तो आपको उसमें क्या करना है, ऐप इंस्टॉल करके गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा, बैंक ऑफ प्रभास कुमार के नाम से सर्च कीजिएगा, उस पर क्लास को फ्री में एक्सेस करने के लिए कोड पूछता है, तो ये कोड डाल देना PRABHASH। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर बताइए। गौतम लोनेवल अभिषेक का, ठीक है। भावना का आंसर आ रहा है, ठीक है। सिंधु आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक। और तुम लोग को मालूम ही है इसका हेड कौन है? डेविड मालपास। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका कौन है? नगोजी ओकोंजो। और IMF का कौन है बच्चों? क्रिस्टीलिना जॉर्जीविया। ये सब याद रखिएगा। 11वां बनाइए, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड हाउ मच मिलियन प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर बताइए, 11वां का। क्वेश्चन नंबर 11th बनाइए, 11वां का। क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर बताइए, 11वां का। 9 मिलियन, 10 मिलियन, 11 मिलियन, 12 मिलियन। 11वां का आंसर बताइए। नीति, भावना, सिंधु, अभिषेक, लोनेवल, गौतम, और सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर भी कर देना, ठीक है। फटाफट आंसर दो बच्चों। लोनेवल का आंसर 10 है, सिंधु का भी है, नीति आप बताओ, अभिषेक, भावना, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर, हाँ तो बिल्कुल सही, 10 मिलियन। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? फिलीपींस। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड कौन है? मशात सुगु असाकावा।
अब फिलीपींस का करेंसी क्या है, तो वो भी याद रख लेना, पेसो। फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? रॉड्रिगो ड्यूटर्टी, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। 12वां, द फिच रेटिंग एक्सपेक्ट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया टू कॉन्ट्रैक्ट बाय हाउ मच परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 21। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। 12 का 9.1, 9.2, 9.3, 9.4। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। भावना, शेख, सिंधु, लोनिवाल, और सभी अभी जो नेक्स्ट सेशन होगा 4 PM पे स्पेशल सेशन, उस पर भी आप लोग लाइव हो जाए। 4 PM स्पेशल सेशन। द फिच रेटिंग एक्सपेक्ट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया टू कॉन्ट्रैक्ट बाय हाउ मच परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 21। 9.1%, 9.2%, 9.3, 9.4%। 12 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। बिल्कुल सही है, आंसर हो जाए डी, 9.4%। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ, 13th का। क्वेश्चन नंबर 13, 13 का आंसर बताओ, 13 का। सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर दो, और पूरा सेशन किया करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13, 13 का आंसर बता दीजिए। द वर्ल्ड बैंक हैज साइन हाउ मच मिलियन प्रोजेक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल टू इम्प्रूव द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ, 13 का। वर्ल्ड बैंक, अभी तुरंत बताया था, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है जी? अभिषेक का सी आ रहा है, ठीक है। बाकी बच्चे भी दीजिए आंसर, सिंधु, अभिषेक, लोनेवाल, नीति, गौतम। आंसर क्या हो जाएगा? डी। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वॉशिंगटन में। वॉशिंगटन में बहुत सारे संस्थाएं जिसके हेडक्वार्टर है, एक तो IMF का भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन USA में है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी है, नीगा का भी है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी का भी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट का भी हेडक्वार्टर यहीं पे, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इन सारे संस्थाओं का हेडक्वार्टर यहीं पे, ठीक है, तो ये सब भी याद रखिएगा। लोनमल का आंसर सही, गौतम का आंसर आ रहा है। देखो, जिसको नहीं आता ना, प्लीज लिख लेना, जितना लिखोगे उतना हैबिट हो जाएगा, ठीक है। नोट वोट बनाओगे भी नहीं है आपको, अगर रेगुलर सेशन लेते हो ना, तो विद इन 1 मंथ में आपका पूरा GA कंप्लीट होकर रिवाइज हो जाएगा, इतना क्वेश्चन आप करोगे। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ वो भी याद रख लीजिए। हेड तो बताया ही है, डेबिट माल पास, इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट टू बी हाउ मच परसेंट इन दिस ईयर 2021 बाय द यूनाइटेड नेशन। क्वेश्चन नंबर 14, 14 का आंसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए, 14 का आंसर बताइए, 14th का। इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट टू बी हाउ मच परसेंट इन दिस ईयर 2021 बाय द यूनाइटेड नेशन, 14 का आंसर बताइए। अभिषेक का डी है, लेनवेल का 7.3, गौतम, भावना, सभी बच्चे बताइए 14 का। क्वेश्चन
14 का आंसर याद रखना 7.3%, सारे बच्चे आंसर दे रहे थे। अच्छा, यूनाइटेड नेशन यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये भी याद रख लेना, न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटरिस, एंटोनियो गुटरिस, ये सब सब याद रख लेना, ठीक है, एंटोनियो गुटरिस, ठीक है। ऐसे यूनेस्को का पूछ ले, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस, तो ये भी याद रख लेना। इसका कौन है, ऑद्रे ओजुले, ऑद्रे ओजुले, ठीक है। चलो ये सब याद रख लेना। 15, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च कृषि सखा ऐप वन स्टॉप शॉप फॉर इंडियन फार्मर्स दैट ऑफर्स देम इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन कैटर देयर डेली फार्मिंग नीड्स, LIC, भारतीय एक्सा, SBI और नन ऑफ द अबव। 15 का आंसर बताइए, क्वेश्चन ऑफ 15 का आंसर बताइए, 15 का, 15 का आंसर बताइए। चलो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ बच्चों, 15 का आंसर बताना। का आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु का, अभिषेक सेठ का आ रहा है, भावना का भी आंसर सही आ रहा है, लोनेवल का भी आंसर सही है, भारतीय एक्सा इज द राइट आंसर। विच कंट्री नेवी हैज ऑफिशियली इंडक्टेड सबमरीन INS सिंधुवीर विच वॉज हैंडेड ओवर बाय द इंडियन नेवी बाय द कंट्री इन अक्टूबर 2020। क्वेश्चन नंबर 16, 16 का आंसर बताइए, श्रीलंका, म्यांमार, चाइना और USA। क्वेश्चन नंबर 16, 16 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। क्वेश्चन सोलह क्वेश्चन का आंसर बताइए, 16 का। क्वेश्चन नंबर 16, श्रीलंका, म्यांमार, चाइना और USA। क्वेश्चन नंबर 16, भावना, अभिषेक, लोनवाल, सिंधु, रावत, सारे बच्चे दीजिए। और सभी बच्चे सेशन को एक बार लाइक कर दो, जिस बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज सेशन को लाइक करो। क्वेश्चन नंबर 16, 16 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, म्यांमार। सत्रह का आंसर बताइए, विच कंट्री हैज पास मलाला यूसुफ जई स्कॉलरशिप एक्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स फॉर पाकिस्तानी वुमेन इन हायर एजुकेशन अंडर मेरिट एंड नीड्स बेस्ड प्रोग्राम, USA, UK, पाकिस्तान। सत्रह क्वेश्चन का आंसर बताओ, भावना, अभिषेक, रावत, सिंधु, गौतम, नीति। क्वेश्चन नंबर 16, 17 का आंसर बताइए, 17 का, भावना का ए है, रावत जी का भी ए आ रहा है, बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का, सिंधु का, गौतम का बी है, नीति का ए है, लोनेवल आपका आंसर क्यों नहीं आया अभी तक, और जिसने सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज सेशन लाइक करके शेयर भी कर दिया करो। इनको तो पहले भी नोबेल प्राइज मिल रखा है, ये तो आप लोगों को मालूम होगा, नोबेल प्राइज विनर है ये, है कहाँ से, किस कंट्री की है, पाकिस्तानी है ये, नोबेल पीस प्राइज मिला था इनको किसके साथ, आप ही के कंट्री के हैं, कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। इनका एक बुक भी था आजाद बचपन की ओर, आंसर हो जाएगा ए, USA, का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18 बनाओ. अलेक्जेंडर इलीज हैज बीन अपॉइंटेड ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू विच कंट्री? यूएई, पाकिस्तान, इंडिया और जापान. क्वेश्चन नंबर 18 का, अलेक्जेंडर इलीज हैज बीन अपॉइंटेड ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू विच कंट्री? यूएई, पाकिस्तान, इंडिया, जापान. क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए. 18 अमन गुप्ता, हेलो. और सारे जो भी बच्चे अभी क्लास ले रहे हैं, अमन, अभिषेक, सिंधु, गौतम, सभी को मैं कहूँगा 4 PM का स्पेशल सेशन भी ज्वाइन करो. ये अनअकैडमी के ऐप पे होता है, यूट्यूब पे नहीं होता, ठीक है? बस उसमें आपको ऐप इंस्टॉल करके गोल सेलेक्ट कर लेना, बैंक ऑफ प्रभास कुमार के नाम से सर्च कीजिएगा. क्लास को ऐप पे फ्री में देखने के लिए ये कोड का यूज कीजिए, PRABHASH, ठीक है? जिससे आप स्पेशल सेशन जो है फ्री में देख पाए. और ये जो चैनल है यूट्यूब, इसको तो सब्सक्राइब कर ही लो, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम, ठीक है? यहाँ पे 2 PM पे जो होगा, या तो आपको मिक्स्ड MCQ मिलेगा या तो टॉपिक वाइज, आज मिक्स हो रहा है. और रात 11 PM पे जो क्लास होता है उसमें डेली करंट अफेयर और मिक्स. अमन का सी है, सिंधु का भी, अभिषेक का भी आंसर बिल्कुल सही है, इंडिया इज द राइट आंसर. 19 बना, विच कंट्री हैज रिसेंटली डेजिग्नेटेड द यूनाइटेड किंगडम ऑफ बहरीन एंड यूनाइटेड अरब अमीरात एज द मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द कंट्री? यूके, इंडिया, फ्रांस, यूएसए. क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए. क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए. विच कंट्री हैज रिसेंटली डेजिग्नेटेड द किंगडम ऑफ बहरीन एंड द यूनाइटेड अरब अमीरात एज द मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द कंट्री? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए. यूके, इंडिया, फ्रांस और यूएसए. गौतम, अमन, रावत, फटाफट आंसर दीजिए. अब से कभी डी है, अमन का भी यूएसए आ रहा है, आंसर हो जाएगा 19 का डी, यूएसए. ये सब सब याद रखिएगा आप लोग. क्वेश्चन 20, विच कंट्री हैज इशूड अ स्पेशल परमिशन टू शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम, द दुबई रूलर, द क्राउन प्रिंस एंड 5 मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली फॉर हंटिंग हुवारा बस्टेड ड्यूरिंग 2021 हंटिंग सीजन? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए. अमन गुप्ता, सिंधु, भावना, नीति, गौतम, अभिषेक, रावत, फटाफट आंसर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए. 20 क्वेश्चन का भी आंसर बताइएगा आप लोग. क्या हो जाएगा? अच्छा, अफगानिस्तान का तुम लोग को मालूम ही है, राष्ट्रपति कौन है? अशरफ घानी, ठीक है? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे कंट्री के जो राष्ट्रपति है, कौन सा हमें राष्ट्रपति है? रामनाथ कोविंद जी कौन से राष्ट्रपति हैं? कौन सा हमें? पाकिस्तान का तो है मालूम आपको, आरिफ अलवी. प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान. इनका मोस्ट पॉपुलर बुक कौन सा था? पाकिस्तान पर्सनल हिस्ट्री. पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री, आंसर याद रखिएगा 20 का सी. चलिए 21 बनाइए तो जरा. Which country Prime Minister Mark Rutte and his entire cabinet has resigned recently over the child care subsidies scandal? Child care subsidies scandal in which thousands of families were wrongly accused of child welfare fraud. 21 का आंसर बताइए. क्वेश्चन 21 का, डच, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी. क्वेश्चन 21 का आंसर बताइए. क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए. इक्कीस का आंसर बताओ. सिंधु का, मोहम्मद का भी आंसर बता रहा है.
बिल्कुल सही है। मार्क रूटे किसके हैं? नीदरलैंड के, ये याद रखिएगा। और फिर से यही नियुक्त किए गए, ये भी याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ द कंट्री फर्स्ट एवर फुली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन सर्विस ऑन विच लाइन ऑफ द दिल्ली मेट्रो? पिंक, मेजेंटा, ग्रे, नन ऑफ द एवर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। अभिषेक, नीति, भावना, सिंधु, गौतम, लोनिवल, रावत। फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 22 का, 22वां क्वेश्चन का। 22वां क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए आपको। ट्वेंटी टू का आंसर बताइए। लोनेवल आप भी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का अभिषेक, गौतम, भावना, सिंधु, सारे बच्चे आंसर दीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, मेजेंटा लाइन, ये याद रखिएगा, ठीक है। और दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन है? हुई द चेयरमैन ऑफ डीएमआरसी, चेयरमैन कौन है ये बता दो बच्चों। अभी प्रेजेंट में डीएमआरसी का चेयरमैन कौन है? गौतम का भी बी है। बिल्कुल सबका आंसर सही, मैजेंटा लाइन बिल्कुल सही। लोनेवल रावत जी आप बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का, डीएमआरसी का चेयरमैन कौन है? बिल्कुल सही है, दुर्गा शंकर मिश्र, दुर्गा शंकर मिश्र। और ये कौन सा पोजीशन होल्ड कर रखे हैं ये मालूम है आप लोग को? ये और किस पोजीशन पे हैं? डीएमआरसी के पोस्ट के अलावा और कौन सा पोस्ट है इनके पास? और सीईओ कौन है? डीएमआरसी का सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। गौतम का भी ये है, ठीक है। जल्दी बताओ, नहीं मालूम है तो लिख लो, मंगू सिंह है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के, ठीक है, ये भी याद रख लेना। विच मिनिस्टर हैज वर्चुअली इनॉग्रेटेड चेन्नई बेंच ऑफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल? राजनाथ, निर्मला, नितिन गडकरी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होता है 23 का। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होता है 23 का। रावत, नीति, गौतम, भावना, सारे बच्चे आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का। और इसका फुल फॉर्म याद रखना, अगर ए नहीं रहेगा तो सीधी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और ए जुड़ा हुआ तो एपिलेट। क्वेश्चन नंबर 23 23 का आंसर बताइए। तेईस का आंसर बताओ बच्चों। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण, ठीक है, ये सब याद रख लेना। 24 होने, द जर्नलिस्ट डे इज ऑब्जर्व बाय द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट विच ईयर इन द मेमोरी ऑफ द लेट जर्नलिस्ट बालशास्त्री जम्बेकर? क्वेश्चन नंबर 24 24 का आंसर बताइए। चौबीस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 6 जनवरी, 6 फरवरी, 6 मार्च और 6 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 24 24 का आंसर बताइए। अभिषेक, सिंधु, नीति, रावत, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। आप उस कैटेगरी में
कॉल कर रहे हैं। क्वेश्चन 24th बताइए, 24 का आंसर बताइए। ऋषिकेश जी 24 का आंसर बताइए। सोनेवाल आप क्यों नहीं आंसर दे रहे हो? बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। द न्यू डेवलपमेंट हैज साइंड लोन एग्रीमेंट ऑफ हाउ मच मिलियन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर टू रोड प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गवर्नर कौन है जी, वो भी याद रख लेना। विश्व भूषण हरिचंदन, हरिचंदन, और सीएम कौन है? रेड्डी साहब, वाईएसआर रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25, भावना, रावत, वर्षा, अभिषेक, लोनेवल, सारे बच्चे आंसर दीजिए। गौतम, नीति। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। पच्चीस का आंसर बताइए। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, 646 मिलियन। और एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू डेवलपमेंट बैंक का, जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, वो भी याद रख लेना, संघाई में। और तुम लोगों को मैंने बताया न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, वो भी याद रखो, मार्को स्ट्रोइजो। और अगर एग्जाम में पूछे कि पहला प्रेसिडेंट कौन था न्यू डेवलपमेंट बैंक का, ब्रिक्स बैंक का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, तो ये बताओ, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब हिंट देता हूं, आप ही के कंट्री से, तो बताइए। ऋषिकेश, नीति, सिंधु, भावना, यहां सभी बच्चे बताइए, नीरज, इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने, पहले भूतपूर्व में ये आईसीआईसीआई बैंक कहते, के भी कमा, ठीक है, ये याद रखना। चलो 26 बनाओ। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर बी एस येदुरप्पा फ्लैग्ड ऑफ 40 कृषि संजीवनी वन। ये तो जब नाम याद होगा सीएम तो वैसे ही बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 26 कहां से बताइए। बिल्कुल सही है, सिंधु का भी आंसर के भी कमात, बिल्कुल सही है। ऋषिकेश, नीति, सिंधु, भावना, जा रावत, नीति। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज सेशन को लाइक कर देना। और सभी बच्चों को मैं कहूंगा कि आप लोग सब बिल्कुल सही, कर्नाटका यहाँ पे लिख लीजिएगा और आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बी एस येदुरप्पा, और गवर्नर कौन है, वजूभाई वल्ला। अब तमिलनाडु का कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। आंध्र प्रदेश का विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। और तमिलनाडु का ईडापड्डी के पलानी स्वामी याद रखना, सीएम ईडापड्डी के पलानी स्वामी। और इसका वाईएसआर, केरला का पिन्नारायी विजयन और आरिफ मोहम्मद खान। आंसर हो जाएगा कर्नाटका। 27 होना। क्वेश्चन नंबर 27, जितने बच्चे अभी सेशन देख रहे हैं सभी को मैं कहूंगा, दीपक, भावना, ऋषिकेश, गौतम, सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम को। अब इस पे अभी जो सेशन है ये 2 PM पे स्टार्ट होता है। इस पे या तो आपको टॉपिक वाइज मिलेगा करंट अफेयर, जैसे कल टॉपिक वाइज हुआ था और आज मिक्स मिल गया, वैसे ही रात के 11 PM पे पहला आपको चीज मिलेगा डेली करंट अफेयर, जो आज का डेट है मान के चलो 29, तो 29 तारीख का करंट अफेयर, प्लस आपको मिक्स्ड एमसीक्यू मिल जाएंगे। और 4 बजे स्पेशल सेशन होता है, इसको भी आप लोग जरूर देखिए, इसमें आपको मंथली करंट अफेयर मिलेगा। मतलब एग्जाम में जो भी तरीके से क्वेश्चन हो आपको इसी 3 सेक्शन से अगर आप पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, नोट्स बनाने का भी जरूरत नहीं होगा, आप 1 महीने अगर रेगुलर क्लास कर लेंगे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए बस आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है 4 PM के लिए, 4 बजे के लिए। ऐप इंस्टॉल करके गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा, बैंक और प्रभास कुमार के नाम से सर्च कीजिएगा, लाइव हो जाएगा। कोड पूछता है फ्री में क्लास करने के लिए, तो ये कोड डाल देना, PRABHASH। 27 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल सही, 945 करोड़। चलो
28वां बना। नीरज, दीपक, रोशिकेश, सिंधु, रावत, भावना, सभी बच्चे आंसर दीजिए। एक ही बार आंसर तो नीरज समझ गया, लो 10 बार आंसर मत दिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए, 28वां का। सुनेबल आप भी दीजिए, क्वेश्चन 28 का आंसर क्या हो जाएगा। सिंधु का सही है, रविशा सिंह का भी, रावत का भी आंसर सही आ रहा है, आंसर हो जाएगा सी। अब ये पहला राज्य था जो टायर पार्क बनाया, ये याद रख लेना, कौन? बंगाल। 29 बनाओ, क्वेश्चन 29। इंडिया फर्स्ट हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी इन टाइगर रिजर्व वॉज लॉन्च इन द वर्ल्ड फेमस बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट। क्वेश्चन 29 का आंसर होता है 29 का, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन 29 का आंसर होता है। क्वेश्चन 29 का आंसर बताइए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन 29 का आंसर बताइए। उनतीस का आंसर क्या हो जाएगा। इंडिया फर्स्ट हॉट एयर बैलून वाइल्ड सफारी इन टाइगर रिजर्व वाज लॉन्च द वर्ल्ड फेमस बांधवगढ़। बांधवगढ़ अगर नाम मालूम होगा तो वैसे ही कंप्लीट कर लोगे। दीपक का आंसर सही है, भावना का भी आंसर सही आ रहा है, नीरज का भी, ठीक है, आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। यहाँ कौन है गवर्नर? आनंदी बेन पटेल। ये खूब न्यूज़ में था, एक तो इंदौर शहर जानते ही हैं स्वच्छता के बारे में, उसके बाद ई कचरा क्लिनिक के लिए न्यूज़ में था मध्य प्रदेश, सांस कैंपेन के लिए भी न्यूज़ में था, उसके अलावा डकोइत म्यूजियम जो खोला था उसके लिए और न्यूज़ में आ गया। ये सब याद रखिएगा। चलिए 31 विच एडिशन ऑफ चेरी ब्लूजूम फेस्टिवल माओ इन मणिपुर वॉज वर्चुअली इनोग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह। क्वेश्चन नंबर 30 कहां से होता है, 30 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 30 कहां से बताएं, दीपक, भावना, रावत, नीरज, सिंधु, ऋषिकेश, झा, नीति, वर्षा, सभी बच्चे आंसर दीजिए। लोने वाले क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए, 30 का। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी, फोर्थ। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 बनाइए, 31। विच स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बिसाइड द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर of the state have jointly been chosen as the winners of pandemic category Digital India Award 2020. Question number 31 का आंसर बताइए। सिंधु, नीति, भावना, सारे बच्चे आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए, विच स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बिसाइड नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ऑफ द स्टेट हैव ज्वाइंटली बीन चूजन एज द विनर्स इन द पेंडेमिक कैटेगरी डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए, दिल्ली, कर्नाटका, केरला, बिहार। फटाफट आंसर दीजिए सभी। बिल्कुल सही, सारे बच्चे एक लाइन से डी दे रहे हैं। और यहां पे कौन सा चीज खुला? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, ये याद रख लीजिएगा। और अभी बर्ड फेस्टिवल जो हुआ था उसका नाम बताइएगा बिहार में। विच स्टेट गवर्नर हैज इनोग्रेटेड वन स्कूल वन आईएएस स्कीम? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल,
केरला। क्वेश्चन नंबर 32, 32 का आंसर बताओ। दीपक, नीरज, वर्षा, सभी बच्चे आंसर दीजिए। 32 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। रावत, सिंधु, दीपक, नीरज, थर्टी टू का आंसर बता दीजिए। थर्टी का आंसर क्या हो जाएगा? डी केरला। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान और पिन्ना रविजन। दीपक का भी आंसर सही आ रहा है। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर है इनोग्रेटेड द फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल ऑफ द स्टेट कालरव? पूछा भी था अभी। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताओ। 33 का नीरज, वर्षा, रावत, सिंधु, सही बच्चे आंसर दीजिए। गौतम, अभिषेक, नीति, लोनेवाल, सारे बच्चे आंसर दीजिए। तैतीस का आंसर बताइए। 33 का बिल्कुल अभी मैंने बताया अभी था ना बिहार, तो ये याद आ गया। कालरव, यहाँ का गवर्नर कौन है? फगु चौहान। Which state chief minister has launched Himachal Pradesh first online youth radio station Radio Health Youngistan ka dil? Bihar, Jharkhand, Manipur or none of the above? Question number 34, 34 ka answer bataiye. Ji bilkul abhi bataya tha. Question number 34 ka answer bataiye. Which state chief minister has launched Himachal Pradesh first online youth radio? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए बच्चों। यहाँ के हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है ये बताइए, तो बताइए। ये नहीं मालूम है आप लोगों को? जयराम ठाकुर। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्त। गौर से देखिए और आंसर खुद ही दे सकते हैं। चौंतीस का आंसर दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन खुद गौर से पढ़िएगा, आंसर खुद ही मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में है कहीं? नहीं है ना, तो आंसर तो हिमाचल प्रदेश होगा। और अभी हिमाचल प्रदेश में ही बकलो जगह पे, जगह है बकलो जहां पे आपको डिफेंस एक्सरसाइज कौन सा हुआ था? वज्र प्रहार। ये भी याद रखिएगा, वज्र प्रहार। 35 बनाइए तो जरा। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु झा, भावना, नीरज, रावत, अभिषेक और जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया सेशन लाइक कर दीजिए पहले। आप लोग जिन्होंने सेशन लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर देना, ठीक है? भावना आप भी कर देना, नीरज, गौतम, सारे बच्चे आंसर कर दीजिए। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया लाइक करके शेयर कर देना, ठीक है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रीनेम ड्रैगन फ्रूट एज कमालम या कमलम, जो भी लिखिए। थैंक यू। अरे किसी को लाइक करने के लिए बोला था, डिसलाइक करने के लिए थोड़ी बोला था। 35 का आंसर क्या हो जाएगा?
बिल्कुल सही है, गुजरात के सही है विजय रूपानी और गवर्नर आचार्य देवव्रत। सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी इसी राज्य में, कहाँ पे, गुजरात में। पहला जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क था फर्स्ट, वो था आसाम में। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर विल इनोग्रेट द फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन। 36 का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 36, 36 का आंसर। नीरज, भावना, क्वेश्चन नंबर 36। विच चीफ मिनिस्टर इनोग्रेट द फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसी स्टेशन। जल्दी जल्दी, नीरज, भावना, गौतम, नीति, सारे बच्चे आंसर दीजिए। दीप, सारे बच्चों का आंसर सही है। कौन है उत्तराखंड का, बेबी रानी मोर और तीरथ सिंह रावत। 37 बनाओ, क्वेश्चन नंबर 37। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च अवलोकना सॉफ्टवेयर। अवलोकन सॉफ्टवेयर कहाँ पे, महाराष्ट्र, केरला, मणिपुर, कर्नाटका। सभी बच्चे 4 PM पे भी लाइव हो जाएगा, ठीक है। स्पेशल सेशन 4 बजे होता है, ठीक है, जिसमें मंथली करंट अफेयर मिलेगा या तो आपको टॉपिक वाइज, सॉरी मंथली या तो MCQ। आपको उसके लिए बस ऐप इंस्टॉल करना है अनअकैडमी का और गोल सर कर लीजिए बैंक और प्रभास कुमार के नाम से सर्च करके कोड डाल दीजिएगा क्लास फ्री में एक्सेस करने के लिए, PREBHASH। बिल्कुल सही, कर्नाटका, ठीक है। BS येदुरप्पा, वजुभाई वल्लभ, ये सब सब याद रखिएगा। 138 यूनियन मिनिस्टर श्री अमित शाह है इनॉग्रेटेड न्यू 4 लेन। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। महाराष्ट्र में, गोवा में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। 38 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बता देना। थर्टी एट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। थलतेज, सिलास, रणचंद, रणजरा, ठीक है, गुजरात में। 39 बनाओ, क्वेश्चन नंबर 39। यशु, भावना, रावत, जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज सेशन लाइक जरूर कर देना और सारे बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो जिस पे भी आप क्लास ले रहे हैं। लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम पे 2 PM पे आपको या तो टॉपिक वाइज जो भी सेशन दे रहे हैं 2 PM पे स्टार्ट होता है या तो आपको मिक्स MCQ जो भी आप मिक्स कर रहे हैं और रात्रि 11 PM पे आपको जो मिलता है वो मिलता है डेली करेंट अफेयर और मिक्स MCQ। डेली करेंट अफेयर रेगुलर बेसिस पर ये और 4 बजे भी आप लोग लाइव हो जाएगा अनअकैडमी के ऐप पे। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, केरला इज द राइट आंसर, जेंडर पार्क। 40 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च विच फेज ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्वेश्चन नंबर 40। सिंधु, रावत, दीपक, भावना, सारे बच्चे अभी 4 बजे लाइव हो जाएगा, जस्ट 1 घंटे के बाद आप लोग लाइव जरूर हो जाएगा। 40 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मंथली और मिक्स MCQ 4 बजे होता है, ठीक है, उसमें टॉपिक वाइज मैंने करवा दिया है मंथली, ठीक है,
मैं हर तरीके से कराता हूँ। मंथली करंट अफेयर हो जाता है, डेली करंट अफेयर होता है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी होता है और स्टैटिक भी। ऑलरेडी चैप्टर वगैरह पढ़ा रखा हूँ, तो मंथली जो होता है वो 4 PM पे हो जाता है स्पेशल ऐप पे। ठीक है दीपक, वहां पे आप जाइएगा, PDF डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आंसर हो जाएगा सी, भावना का, रावत का, सिंधु का भी आंसर सही आ रहा है। लाइव हो जाएगा, तो अभी के लिए इतना ही है। इसी कोड का यूज कीजिएगा, जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये यूट्यूब चैनल रहा, 2 PM पे आप जो भी क्लास ले रहे हैं यहाँ पे टॉपिक वाइज, या नहीं तो आपको मिक्स MCQ 11 बजे रात में जो क्लास होता है इस यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें आपको डेली करंट अफेयर और MCQ, 4 PM में आपको मंथली और आपको मिक्स MCQ मिल जाता है, मंथली करंट अफेयर भी। और इस पे आप लोगों को कॉम्बैट सीरीज होता है हर संडे को 10 AM पे, तो उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो एनरोल ये करने के लिए इसी कोड का यूज कीजिए, सब्सक्रिप्शन जब भी लीजिए तो इसी कोड का यूज कीजिए। अभी ले लीजिए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी एक्स्ट्रा मिल रहा है, 1 साल का लेते हैं तो 2 महीने का एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। हाँ उससे ज्यादा नहीं होगा, 1.5 घंटा मैक्सिमम होगा रावत जी। एवरीवन बाय एंड टेक केयर, कम